नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी क्वेश्चन आंसर्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन आंसर्स की इस सीरीज़ को बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, इसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। आज कुछ क्वेश्चंस को हमने रेंडमली सिलेक्ट किया है, उन क्वेश्चंस के आंसर्स हम जानेंगे। हो सकता है आपके मन का प्रश्न इन आने वाले सवालों में छुपा हुआ हो, इसीलिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो आज का जो प्रश्न है वो पूछा है नीरज जी ने। उन्होंने कहा है, इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट का हिस्सा कैसे डिसाइड होता है? तो फ्रेंड, ये एक वीडियो था हमारा, स्टार्टअप फंडिंग कैसे प्राप्त करें, उसमें सवाल आया था। और मैं नीरज जी आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टअप फंडिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस का प्रपोजल रखते हैं, तो वहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग की बात आती है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिसाइड होती है। हो सकता है आप जितनी इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टर से मांग रहे हैं उसके एवज में कितना प्रतिशत शेयर आप बेचने के लिए तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी की वैल्यूएशन एक स्टार्टअप ने 250 करोड़ की रखी कि अगले 5 साल बाद मेरी कंपनी 250 करोड़ की हो जाएगी, और आज की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग मैं अपनी कंपनी का 20% स्टेक होल्डिंग आपको देना चाहता हूं, 20% शेयर आपको देना चाहता हूं, इक्विटी शेयर देना चाहता हूं। तो उसकी वजह से उस व्यक्ति ने अपनी कंपनी में 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर से मांगी है। वो स्टार्टअप डिमांड कर रहा है कि मुझे 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये निर्भर करता है कि आप कितने परसेंट स्टेक होल्डिंग अपने इन्वेस्टर को देते हैं और इन्वेस्टर कितने परसेंट स्टेक होल्डिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। इसको समझने के लिए आप स्टार्टअप फंडिंग की पूरी सीरीज की हमने वीडियो चलाई है, उसको आप जरूर देखें, उसमें सब कुछ बताया गया है, उसकी एक्सप्लेनेशन को आप जरूर देखें। सीरीज में अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है राजवंशी जी का, और वो पूछते हैं अपनी कंपनी कैसे बनाएं और उसको कैसे रजिस्टर करें। तो मैं राजवंशी जी आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप जो भी कंपनी बनाना चाहते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं, आप पार्टनरशिप कंपनी बना सकते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, आप पार्टनरशिप कंपनी बना सकते हैं, आप LLP कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका ID प्रूफ, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन जिस नाम से आप कराना चाहते हैं उस नाम को आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दें और उससे कहें कि मुझे कंपनी रजिस्टर करानी है। ये काम CA का है, CA आपको इसमें पूरी मदद कर पाएगा, एक रीजनेबल फी लेगा आपसे और आपकी कंपनी रजिस्टर करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। अगला जो प्रश्न है वो है पिंकी शर्मा जी का, और वो लिखती हैं कि सर, मेरे पास प्लान है लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, प्लीज़ हेल्प मी। तो पिंकी शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने बिजनेस का स्टार्टअप प्लान बनाने से पहले सबसे पहले आपको अपनी फर्म या कंपनी को रजिस्टर करना होगा, जिसमें आप CA की मदद ले सकते हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टर को चाहते हैं तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए। तो सबसे पहला काम आपके लिए अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप फॉर्म करें, और उसके बाद अपने स्टार्टअप का, अपने बिजनेस का प्लान पूरा पेपर पर ड्राफ्ट करें। ड्राफ्ट करने के बाद आप उसको PPT प्रेजेंटेशन में तैयार करें। यहाँ से आपके काम करने की शुरुआत होती है। जब आप अपना बिजनेस का पूरा प्लान बनाएंगे तो आपके मन के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। आपकी कंपनी के बारे में आपको लिखना है, आपकी कंपनी के प्लान में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा वो आपको बताना है, इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद कितने समय में आपका बिजनेस शुरू होगा ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर साथ ही साथ आप जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देने जा रहे हैं उसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितने समय में आपकी कंपनी ब्रेक इवन पे आएगी, और कितना इन्वेस्टमेंट आपको उस बिजनेस प्लान के लिए चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने प्लान में देनी है। अगर प्रपोजल बिजनेस प्लान बनाने में कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप एक हमारा वीडियो देख सकते हैं कि बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, या बिजनेस के लिए जब फंडिंग लेने जाएं तो बिजनेस का प्रपोजल कैसे डिज़ाइन करें। फ्रेंड्स, कई बार आपके मन का ऐसा प्रश्न होता है जिसका जवाब आप लाइव या मुझसे मिलकर या फ़ोन पर बात करके जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम देंगे जब हम आपस में बात करके आपके उस पर्सनल क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो स्टार्टअप अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं और लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। मोहित जोशी जी का क्वेश्चन है कि सर, प्लीज़ मेक अ वीडियो हाउ टू प्रोटेक्ट स्टार्टअप आइडिया। फ्रेंड्स, जो लोग स्टार्टअप होते हैं उनके साथ कई बार एक चीटिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टार्टअप्स का आइडिया सुनते हैं, समझते हैं और उनको फंडिंग नहीं देते हैं, लेकिन उनका आइडिया थोड़े दिन बाद कहीं ना कहीं कॉपी हो जाता है, उसको वो खुद इन्वेस्टर खुद कर लेते हैं या कोई सपोर्टिंग इंडस्ट्री को बेच देते हैं या उस आइडिया को कहीं ना कहीं से इम्प्लीमेंट करा के और वो बिज़नेस शुरू कर देते हैं। ये शिकायत मुझे कई बार सुनने को मिली है उन लोगों की जिनके पास बिजनेस आइडिया है लेकिन फंडिंग नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं आपको एक प्रोटेक्शन का फार्मूला बताता हूं। अगर आप अपने स्टार्टअप आइडिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो काम आपको करना होगा, अपनी कंपनी अपनी फर्म को रजिस्टर करना होगा। फर्म रजिस्टर करने के बाद जो आपका जिस भी व्यक्ति को आप अपना बिजनेस प्रपोजल दे रहे हैं उनके साथ आपको NDA
एग्रीमेंट साइन करना होगा। NDA स्टैंड फॉर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। आप जिस भी स्टार्टअप इन्वेस्टर को जब अपना प्रपोजल दें तो उससे पहले आप NDA साइन करें। NDA साइन करने के बाद बहुत सारी बाउंडेशन उस इन्वेस्टर के ऊपर हो जाती हैं कि वो आपका स्टार्टअप का आइडिया अगर किसी को बेचता है तो आप क्लेम कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं कि मैंने ये आइडिया इनको शेयर किया था और इन्होंने मेरे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये एक बहुत प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा पार्ट है जहाँ आप अपने आइडिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशल इसके लिए हम एक वीडियो भी बनाएंगे कि अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करने के क्या मेथड हैं, किस किस तरह से आइडिया को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और किस तरह से आप अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग लेते समय सावधानियां बरतें। अगला जो प्रश्न है वो है नितिन मेहता जी का, और उनका क्वेश्चन है कि फ्रेंचाइजी सेल कैसे करें। तो मेहता साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पर डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रपोजल डिज़ाइन करना चाहिए, और अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि हम उसकी सेल कैसे करें। क्योंकि आपने क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में लिखा है तो मैं समझ नहीं पा रहा कि आप ऑलरेडी फ्रेंचाइजी बिजनेस कर रहे हैं या करना शुरू करना चाहते हैं। तो फिर भी मैं आपको बताता हूं, अगर आप ऑलरेडी फ्रेंचाइजी बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने फ्रेंचाइजी की इन्फॉर्मेशन किस तरह से स्प्रेड ओवर करें। आज आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज के फ्रेंचाइजी ऑफर्स सोशल मीडिया पर आते हैं, लाइक वी आर ऑफरिंग अ फ्रेंचाइजी विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 to 15 crore rupees, एरिया रिक्वायर्ड 2000 to 5000 square feet। तो आप अपने बिजनेस की जो एडवर्टीजमेंट है, फ्रेंचाइजी सेल करने की जो एडवर्टीजमेंट है, वो आप सोशल मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बल्क मेल और इसके अलावा एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करके आपके जो कैटलॉग हैं, ब्रोशर्स हैं, इन्फॉर्मेटिव बुलेटिन हैं, वहाँ आप मेंशन करें वी आर ऑफरिंग फ्रेंचाइजी पैन इंडिया, फॉर फ्रेंचाइजी कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। तो बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि ये कंपनी फ्रेंचाइजी बिजनेस में है, ये बिजनेस के प्रपोजल को सेल करती हैं, फ्रेंचाइजी ऑफर करती हैं, जिससे आपको बहुत सारा बिजनेस आसानी से मिल सकता है। फ्रेंचाइजी के बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स विजिट करते हैं, ये पूरे इंडिया में होते हैं। आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करें और हर जगह अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फ्रेंचाइजी टैगलाइन को जरूर प्रमोट करें। अगला जो क्वेश्चन है वो गगनदीप भास्कर जी का, और गगनदीप भास्कर जी हमसे पूछते हैं कि अगर किसी के पास बिजनेस का ऐसा आइडिया हो जो इंडस्ट्री में सबसे नया हो और उसको स्टार्ट वो करना चाहे और करोड़ों में वो इन्वेस्टमेंट लेना चाहता है तो ये इन्वेस्टर्स कहाँ से मिलेंगे। गगनदीप जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बिजनेस का कोई भी आइडिया है तो प्रॉपर सिस्टमेटिक बिजनेस प्रपोजल आप डिज़ाइन करें। उसके लिए एक वीडियो मैंने स्पेशल बनाया हुआ है कि अपने बिजनेस का स्टार्टअप फंडिंग प्रपोजल कैसे डिज़ाइन करें। और उसके बाद संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत सारे स्टार्टअप फंडिंग इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं स्टार्टअप फंडिंग इवेंट इन इंडिया, स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम इन जिस भी सिटी में आप रहते हैं। लाइक मैं दिल्ली में रहता हूं तो स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम इन दिल्ली, स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम इन हैदराबाद, बेंगलोर, आप सर्च करें और उनकी जो भी नॉमिनल फी होती है वो उनको पे करें, वहां पार्टिसिपेट करें। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर इन स्टार्टअप फंडिंग इवेंट्स में आते हैं और वहां पर वो लोग आइडियाज़ को सुनते हैं, समझते हैं, उनको प्रोजेक्ट पसंद आता है तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हमने रैंडमली सिलेक्ट किए थे कुछ नई वीडियोस में से, कुछ पुराने वीडियोस में। हो सकता है आपके प्रश्नों का जवाब इसमें मिला हो। यदि आपके मन का कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस बार हमने लाइक्स का एक टारगेट रखा है, इस बार हमारा टारगेट है 10,000 likes। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस लाइक के टारगेट को अचीव करने में हमारी हेल्प करें ताकि हम और ज़्यादा इनिशिएटिव लें आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने का। अगर आपके मन का कोई प्रश्न रह गया हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप उसको ज़रूर लिखें, अगले वीडियो में उसको शामिल करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप पिछली कुछ वीडियोस को देखें जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। फ्रेंड्स, कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स के टॉप सीक्रेट्स को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेटास क्लब के इस यूट्यूब चैनल पे। कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज की अगली वीडियो में। मेरे साथ आप इस चैनल पर बने रहें। मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब आप भी अपनी ज्वेलरीज की वैरायटीज को माय आभूषण ऐप पे डाल सकते हो और सीधा ग्राहकों से जुड़ सकते हो। अभी डाउनलोड करें ऐप माय आभूषण।